लॉजिकल वे में तार्किक रूप में राहु को समझने की कोशिश करेंगे और राहु का क्या बेस्ट उपाय हो सकता है, वो क्यों हो सकता है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। राहु, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक रहस्यमय ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो कि रहस्यों से भरा भरा हुआ है, ऐसा ग्रह जो कि जीवन में महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है, जो कि भरा हुआ है हमारे दिल की इच्छाओं से, एक ऐसी इच्छाएं, एक ऐसी अतृप्त इच्छाएं जिन्हें हम हमेशा पूरा करना चाहते हैं। हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई बहुत सारी बातें, हमारे सपने जो हम सोचते हैं अपने जीवन में पाने के लिए, इतनी ऊंचाई जीवन में जो कि किसी को मिल जाए वो कब कोई और सोच नहीं सकता, वो राहु है। राहु ऐसी चीज है आश्चर्यचकित करने वाली, अचंभित करने वाली, अद्वितीय, अलौकिक, जो हम शब्द बोलते हैं सब राहु से जुड़े हुए। तो राहु को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि राहु जो ग्रह, उसका अपना भौतिक अस्तित्व नहीं है, सूर्य और चंद्रमा की गति के हिसाब से दो बिंदु निर्धारित किए गए हैं, एक राहु है एक केतु है। तो जब इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, उसके बाद भी कितना इफेक्ट है, हमारे जीवन में कुछ चीजें दिखती नहीं है, हमें महसूस होती है, उनका हमारे जीवन में ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारे उद्देश्य, ये किसी को नहीं दिखते हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है। हम इन्हीं के लिए तो जीते, हम इन्हीं चीजों के लिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये ही हमारी अपनी एक पहचान होती है, तभी हम कोई कर्म करते हैं, तभी हम कुछ करते हैं। वो सारी की सारी चीजें जुड़ी हैं राहु से। अब राहु को लॉजिकल वे में समझते हैं, राहु क्या है हमारे ग्रहों के हिसाब से। जैसे हम चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा मन है, राहु क्या है? राहु है हमारे आसपास वातावरण में फैली हुई ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं भी है और नकारात्मक भी है। जब राहु हमारे लिए अच्छा करता है तो हम उसको सकारात्मकता का नाम देते हैं, जो बुरा करता है तो हम उसे नकारात्मकता का नाम देते हैं। राहु जीवन में एकदम से अचानक से परिवर्तन ले आता है, चेंज ले आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जीवन में लेकर के आता है जो कि हमने अपने जीवन में सोची नहीं होती है। तो वो आश्चर्यचकित करने वाला ग्रह जुड़ा हुआ है हमारे आसपास फैली हुई ऊर्जाओं से। जो भी हमारे आसपास ये ऊर्जाएं फैली है ना, सब की सब राहु से जुड़ी हुई है। अब हम सोचते हैं कि हम इन ऊर्जाओं को कैसे लाभ ले सकते हैं। आज की डेट में देखिए, ये ऊर्जाओं को हम प्रयोग करके क्या क्या नहीं कर रहे हैं। टेलीविजन, मोबाइल, ये जो चीजें चल रही हैं, सब ये आसपास फैली हुई तरंगों से ही चल रही हैं। रेकी हीलिंग जो मैं करती हूँ, वो भी राहु से जुड़ जाएगी जब वो आसपास की तरंगों से जुड़ी हुई। इंटरनेट आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी राहु से जुड़ा हुआ है। ये जितनी तरंगे हैं सब राहु से जुड़ी हुई। सकारात्मकता के लिए काम आती है तो पॉजिटिव, तो हम उसे सकारात्मक कहेंगे, नहीं तो हम उसको नकारात्मक बोल देते हैं और जीवन में बहुत विष देने वाली चीजें बोल देते हैं। विष भी राहु से जुड़ा हुआ, जो हम मेडिसन लेते हैं उनमें कहीं ना कहीं केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसी होती है कि हम उन्हें कभी कभी ज्यादा कम ले लें तो विष का काम करती है। अगर कहीं उनमें नकारात्मकता आ जाती है ज्यादा कम, तो वो भी नेगेटिव राहु है। अब हम समझते हैं हमारे आसपास की जितनी भी ये तरंगे हैं वो क्या है। हवा ही तो है, वायु ही तो है, जो भी हमारे आसपास तरंगे हम उन्हें कैसे महसूस करते हैं? हवा के रूप में ही तो महसूस करते हैं। जब हवाएं हमें छूती हैं, महसूस होती हैं, हमें पता लगता है कि कुछ है ही आसपास तरंगे। तो आसपास फैली हुई तरंगे राहु है और राहु ही एक तरीके से जुड़ा हुआ है वायु से, हवा से। हमने क्या करा हुआ है, सारी चीजों को हमने देवता का रूप दिया हुआ है ताकि हम अनेक को अलग अलग तरीके से पूछ सकें, उसके महत्व को समझ सकें। पवन को भी हमने देव माना है, तो पवन से जुड़ी हुई है वो सारी ऊर्जाएं। तो राहु कहीं ना कहीं पवन देव से भी जुड़ गए हैं। वो ऊर्जाएं जिनको हम अपने लिए यूज कर रहे हैं आज की डेट में, टेक्निकली यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, वो सब राहु है। तो पवन देव के अंदर जो ऐसी ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं राहु से जुड़ गई, तो पवन देव ऑटोमेटिक जुड़ गए। जब मैंने अभी अपनी वीडियो भी डाली थी, तो जब हम राहु के उपाय की बात करते हैं,
जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही पवन से जुड़ी हुई चीज ही राहु का बेस्ट उपाय हो सकती है। तभी मैं बोलती हूँ नजर उतार लीजिए, इस तरीके के उपाय बोलती हूँ जो कि हमारी एनर्जीज से जुड़े हुए, हमारी ऊर्जाओं से जुड़े हुए, हमारे ऑरे से जुड़े हुए। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आप राहु के लिए हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी क्या है? हमारे अंदर की मन की शक्ति है, एक सकारात्मकता है। हमारे अंदर का जो डर है वो राहु है, वो सकारात्मकता खत्म होगी जब हम हनुमान जी की पूजा करेंगे। हनुमान चालीसा किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए हनुमान जी क्या है, वो पवन पुत्र है। पवन पुत्र इसका मतलब उनके अंदर भी वो पवन के गुण है, वो उड़ भी सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कितनी सारी शक्तियां हैं उनके पास। पवन की शक्तियां ऑलरेडी उनके अंदर है और वो इस पवन पुत्र है और वो इस वातावरण में फैली हुई वो सकारात्मकता, वो ऊर्जा, वो ओज जो कि हमें ताकत देती है, जो कि हमें किम्मत देती है, ऐसी ऊर्जा जिसको हम जीवन में पॉजिटिविटी के लिए लेकर के आते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो सब हनुमान जी से जुड़ी हुई है। तभी तो कहते हैं कि हनुमान जी अमर हैं। जब तक ये रहेगी, ये पृथ्वी है, आसपास इसके वायुमंडल है, ये ऊर्जाएं हैं, तब तक पवन पुत्र हनुमान भी रहेंगे। जब तक पवन है तब तक पवन पुत्र हनुमान भी, जब तक ये सृष्टि है हम सब हैं हनुमान जी भी, वो तो अमर है, उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि ये वातावरण के आसपास फैली सकारात्मकता हमेशा विद्यमान रहती है और रहेगी, वही हनुमान जी है। अगर हमें कहीं ना कहीं ये ऊर्जाएं नकारात्मक कर रही हैं, हमारे आसपास प्रदूषण कर रही है, कोई परेशानी कर रही है, तो वो है राहु। और उस प्रॉब्लम को खत्म करने वाली सकारात्मकता हमें चाहिए, वो है हनुमान जी पवन पुत्र। हम किसी भी तरीके से वो पॉजिटिविटी ले सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, उससे हमारे अंदर जो ओज आएगा, जो ताकत आएगी और जो एक अलग एक फील आएगा, इन ऊर्जाओं से लड़ने के लिए ताकत आएगी, वो हमें इन सारी के सारी दुख इन तकलीफों से बाहर लेकर के आएगी। जब हम राहु को समझेंगे कि आसपास फैली हुई ऊर्जाओं में से ही जुड़ा हुआ है राहु, जब हम उसको सकारात्मक प्रयोग के लिए करते हैं तो राहु ऊपर उठा देता है, नकारात्मकता के लिए करते हैं तो वो एकदम नेगेटिव हो जाता है राहु। तो अब देखें कि इन ऊर्जाओं से जुड़ी हुई कोई चीज हमें राहु से, राहु के नेगेटिव इफेक्ट से बचा भी सकती है, वो है हनुमान जी। आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, उस शक्ति की पूजा कीजिए, सकारात्मकता की पूजा कीजिए, कहीं ना कहीं आप उस नेगेटिव इफेक्ट से बचेंगे। क्योंकि जीवन में हमें बाकी चीजें इतना नहीं दुखी करती हैं जितनी वो चीजें जो दिखती नहीं, जो महसूस नहीं होती, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, जिनके हम जीते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और वो राहु हैं। उनके लिए हमें चाहिए सकारात्मकता, हिम्मत, ओज और नहीं डरने वाली बात। आप देखें, आप कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ें और आपके मन में डर आ रहा कैसे निकल जाता है, आप कैसे अपने आप को एकदम से सकारात्मक और एकदम ओज से भरे हुए महसूस करते हैं। ये एक अपने आप की ताकत है अपने आप में। जब आप नाम लेते हैं पवन पुत्र का, जो कि पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे, पर्वत ले आए थे, उनकी शक्तियों को याद करते करते, उनकी शक्तियों का स्मरण करते हुए, उनकी अनंत शक्तियों की जब आप बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी उस शक्ति से जुड़ने को मिलता है और आप अपने अंदर एक अलग ही सकारात्मकता और एक शक्ति महसूस करते हैं और ये शक्ति ही आपके मन के डर को खत्म करती है, इल्यूजन को खत्म करती है, डाउट्स को खत्म करती है, भ्रम को खत्म करती है। अगर आप खुद भी परेशान है, राहु की दशा चल रही है, कहीं ना कहीं राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, आपके आसपास का वातावरण ठीक नहीं है, प्रदूषण है, तो बिल्कुल जुड़िए पॉजिटिविटी से, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए और देखिए आप कैसे इन ऊर्जाओं से अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और वो डर, वो भ्रम, वो डाउट्स जो आपको डरा रहे हैं उनसे आप बाहर आ सकें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। अगर आप ज्योतिष, रेखी, हीलिंग, अंक शास्त्र, वास्तु, उसके बारे में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं
बेल आइकन जरूर दबाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको क्या और नई चीजें जाननी है उसके बारे में भी बताइए। ऐसे ही मैं आती रहूंगी, तब तक आप अपना सम्मान करें, ज्योतिष का सम्मान करें और ज्योतिषियों का सम्मान करें जिन्होंने हमारे देश की धरोहर को संभाल के रखा। मैं रमा जोशी, नमस्कार।